Hi guys, welcome back to my channel. So today I recreated Bani by Surbhi Chandana makeup look. So let's get started. But if you like the video, don't forget to subscribe my channel. तो इस लुक को करने में मैं थोड़ी सी मेहनत करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है आप लोगों के लिए भी, मतलब आप लोगों को मेरे लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। सो जल्दी से जाओ और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजर निविया का, अपने फेस पे लगा लेती हूँ। मैं प्राइमर इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मॉइस्चराइजर लगा लो तो प्राइमर आपका स्किन हो जाता है। उसके बाद मैं अपना DIY फाउंडेशन जो अपनी हर वीडियो में लगाती हूँ, जिसको मैंने खुद मेक करा है, वो मैं लगा रही हूँ हाथों से। बस ऐसी क्रीम जैसे लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपना जो है लगा लिया है ये फाउंडेशन। अब मैं लगा रही हूँ वंडर स्टिक का कंसीलर अपने डार्क स्पॉट्स एरिया पर। और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। भक्ति रोसा तू लगता है क्योंकि हार भी तू इनसे सकता है। अब मैंने लगा लिया है कंसीलर और अब मैं अपनी आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपने माथे को कुछ इस तरह से पकड़ना है और मैं ले रही हूँ अपनी आउटलाइन, जिससे ये पेंसिल की तरह काम करती है तो ये बहुत अच्छे से हमारी आईब्रोज को सेट कर देती है। अब मैं इस तरह से ले रही हूँ अपनी आईब्रोज को। कुछ इस तरह से सेट कर दूंगी मैं। और अब मैंने अपनी आईब्रोज को भी सेट कर लिया है और अब मैं अपनी आईब्रोज को जो है करने वाली हूँ हाईलाइट। ब्रो बोन को अपनी हाईलाइट करने वाली हूँ अपने मिस याहू हाईलाइटर पैलेट से। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ मेरा ब्रश। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ काइली का ब्रश, जिससे कि मैं ब्राउ बोन पे अपनी हाईलाइट करूंगी। और मैं चूज कर रही हूँ ये व्हाइट कलर का हाइलाइटर। Thank you.
कुछ ना तुम्हें मिल पाएगा। ये इस हाल में कहाँ जाएगा? मैं अलादीन को जीत करके चांद तक दोस्त है वो खोटा उतर ना पाएगा। तो मैंने अपने हाइलाइटर लगा लिया है और अब मैं जो है नागिन आपने देखा ही होगा उसमें वो ब्लैक कलर का स्मोकी लुक देती हैं। तो मैं पहले लगा रही हूँ क्रिस्टन का कंटूरिंग, फेस कंटूरिंग फ्रॉम क्रिस्टन। दिस इज मैं इसका रिव्यू दे चुकी हूँ मेरे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फ्लफी ब्रश, ठीक है। मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ये फ्लफी ब्रश जिसकी मदद से मैं इसमें डार्कर शेड को पिक नहीं करने वाली हूँ, पहले मैं लाइट शेड करूंगी। और हाँ, याद रखना आप इसको डैप डैप कर लेना, एक्वा 13 का ये ब्रश है। और अब मैं इसको अपने आईलिड एरिया पर अच्छे से लगा दूंगी, ठीक है। बस आईलिड एरिया पर ही लगाना है आपने ये, तो आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना इधर, आपने इसको इस तरह से रख के और इस तरह से ब्लेंड करना है। फिर से मैं थोड़ा सा शेड उठाऊंगी और थोड़ा सा डार्क करूंगी। क्या बात कर रहा है? पूछना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं, तो मुझे ऑब्वियसली पापा से परमिशन लेनी पड़ी, और पापा तो पापा है, क्या वो अलाउ करेंगे? लेट्स फाइंड आउट। पापा वो विशाल और शेखर है ना, वो थाईलैंड में स्कूबा डाइविंग का प्लान बना रहे थे। बेटा जहाँ जाना है जाओ, यू आर ओल्ड इनफ टू टेक योर ओन डिसीजंस। व्हाट ही एक्चुअली मींस इज स्कूबा डाइविंग। अच्छा एक बात बता, तेरे ये दोस्त विशाल और शेखर अगर कोर में कूद जाए तो जहाज़ तो भी कूद जाएगा। अब मैंने इसके बाद डार्कर शेड को पिक करा और थोड़ा डार्क कर दिया अपने आईलिड एरिया को। सॉरी पीछे टीवी चल रहा है तो पता नहीं आपको आवाज सही आ रही है कि नहीं, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से आवाज आए। उसके बाद मैंने ये शेड लगा लिया है। अब मैं हाँ ब्लैक कलर का आई शेडो ले रही हूँ। दिस इज अ कलर इंस्टीट्यूट आई शेडो नंबर 1 शेड, और ये ब्लैक कलर का है तो आपने बहुत ध्यान से लगाना है, क्योंकि ना हमेशा ब्लैक कलर का आई शेड यहाँ आपके इधर बहुत ज्यादा फैल जाता है। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ फेस एड का 504 का ब्रश, ये ब्लैक कलर का आई शेडो मैं इसमें ले रही हूँ। और फिर से आपने डैप डैप करना है और अब आपने बीच वाले एरिया पर लगाना है। रुको मैं अभी आती हूँ सपा। उसके बाद मैं ब्लैक कलर के आई शेडो को लेके अच्छे से अपने सेंटर एरिया पर लगा रही हूँ। अरे वाह क्या बात है, सवेरे सवेरे पढ़ाई बेटा, ये समय जम के मेहनत करो उसके बाद। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी ये वाले पीछे वाले ब्रश से। झूठ बोलते हैं, लाइफ सक्स, जिंदगी भर गधा वजूली करोगे तुम, पर ये कड़वा सच मैंने सिखाऊंगा, जिंदगी सिखाएगी तुम्हें। इसको लगाने के बाद मैं अपने नीचे वाले एरिया पर भी अपना ब्लैक कलर का शेड लगाऊंगी।
और ये मैंने शेड लगा लिया है ऊपर नीचे दोनों की तरफ। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ व्हाइट पेंसिल, आप चाहो काजल लगा सकते हो जो चाहो। मैंने यहाँ पे व्हाइट पेंसिल लगा ली है और वो शायद ना काजल के मतलब ब्लैक आई शेडो के बीच में जम चुकी है शायद। और उसके बाद ये सब लगाने के बाद मैं कॉन्टोर वॉन्टोर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें पता नहीं ज़्यादा कॉन्टोर होता है कि नहीं, बट मेरा फेस वैसे ही कॉन्टोर है। तो पहले तो मैं सबसे पहले अपना मस्कारा सॉरी लाइनर लगा लेती हूँ। लाइनर का कोई विंग नहीं बनाना है मुझे, बस जो है लाइनर को ऐसे ही मैं मतलब बना दूंगी, उसको ऐसी विंग नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसमें विंग ज्यादा नहीं दिखता है तो मुझे, तो बस ब्लैक आई शेडो में तो वैसे भी विंग दिखना ही नहीं है। तो ये मैंने लगा दिया है लाइनर, ठीक है। और अब मैं यूज कर रही हूं मंत्रा, सॉरी मंत्रा है मार्चना का जो है मस्कारा यूज कर रही हूँ मैं। तो ये वाला जो मस्कारा है मंत्रा का राइट, तो इसको मैं यूज कर रही हूँ और अपने पूरे आईलैशेस और हाँ गाइस फॉल्स लैशेस लगती तो काफी अच्छा लगता और लुक, बट फॉल्स लैशेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है सो और ना ही मुझे फॉल्स लैशेस को छोड़ो एक मिनट, पहले तो ये मस्कारा को सुखाओ। मस्कारा नहीं चला गया। उसके बाद मस्कारा के बाद मैं लगाने वाली हूँ ब्लशन। ब्लशन में मैं कलर लेने वाली हूँ पीच कलर, ठीक है। मैं पीच कलर ब्लशन में लेने वाली हूँ। और इसमें से मैं पिक कर रही हूँ ये वाला कलर, ठीक है, क्योंकि ना मैंने देखा है उसमें कि उसमें थोड़ा सा ना न्यूट कलर का भी होता है क्योंकि पूरा इतना हैवी लिक दे दिया जब आई को तो फिर उसमें थोड़ा न्यूट देते हैं। तो मैं इधर अपने चिक्स पर मैंने लगा लिया है पीच कलर और अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर मिस याहो का। और इसमें मैं ये वाला व्हाइट शेड, पता नहीं व्हाइट है, हाँ व्हाइट शेड मैं यूज कर रही हूँ अपनी फिंगर्स की हेल्प से। फिंगर से ना बहुत अच्छे से लगता है। उसके बाद मैं नोज एरिया पर लगा रही हूँ कुछ इस तरह से, हैंड एरिया पर अच्छे से लगा दूंगी और अपने चिन एरिया पर लगाऊंगी और अपने लिप्स एरिया पर भी अच्छे से लगा दूंगी ताकि ना थोड़ी सी चमक आ जाए क्योंकि, और फिर ना मैंने ये जो काइली का ब्रश यूज करा था इसकी मदद से मैं थोड़ा नोज को ना अपने क्लीन फिनिशिंग दे दूंगी। ठीक है, इस तरह से मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है अपने एरियाज को, मतलब जितना भी चेन वगैरह का एरिया था। और फिर मैं लगाऊंगी अपनी लिपस्टिक। सबसे पहले तो आपने एक हैक याद रखना, हमेशा पहले अपनी लिप बाम लगा लो कोई से भी, ठीक है, और फिर उससे थोड़ा सा ना स्क्रब कर लो। स्क्रब करने के बाद आप फिर लगाओगे लिपस्टिक। मैं यहाँ पर और उसके बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ थोड़ा सा न्यूड में।
लिपस्टिक लग गया, आप मेरे लिपस्टिक कलेक्शन में देख सकते हो ये वाला, और पूरा बानी का एक लुक क्रिएट हो गया। बस थोड़ी सी और कमी है हमारे लुक में, एक मांगटीका, तो मांगटीका मैं ये वाला लगा रही हूँ कुछ इस तरह से, मांगटीका राइट। और नागिन का पूरा लुक कंप्लीट हो गया है, हम नागिन बन चुके हैं, बानी नागिन रिक्रिएट कर लिया है हमने वैसा लुक, और देख ही सकते हो आप। देखो मांगटी का ना मुझसे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, क्योंकि ना ये कभी बार बार नीचे आ जाता है और बार बार ऊपर चला जाता है, तो मुझे ना इसको सिक्योर करना पड़ता है पिन से। बाकी इधर ऊपर कर लेती हूँ। अरे भाई हाँ, अब बिल्कुल पक्का सा हो गया है हम नागिन बानी का लुक, हमने क्रिएट कर लिया है लुक, आप देख ही सकते हो कैसा है। और थोड़ा रेड ड्रेस भी पहन लिया है क्योंकि उनका रेड ड्रेस होता है, और स्मोकी आईबीज बना दिए हैं, और जो उनके बिगिनर्स वाले लिप्स होते हैं वो कोशिश करी हमने और बना भी पाए हम, और बाकी पूरा ऐसे करा है। और ज्वेलरी वैसी नहीं थी तो हमने एक मांगटी का लगा लिया है, और लुक हो गया हमारा बानी वाला रिक्रिएट। अब देखो ब्यूटी शॉट्स देते हैं ये ना, मुझे फ्रॉक्स मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, ये लुक के लिए मैंने, आप लोगों के वीडियो के लिए मैंने पहना है। और अगर आप चाहो तो प्लीज़ प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर तक वीडियो पहुँचा देना, और 99.9% लोगों देखते तो हैं बट सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, तो अगर वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है शेयर कर देना। वाओ, तो आप चलो ब्यूटी शॉट्स देते हैं। और हाँ गाइज, मैं आपको ये बताने वाली थी कि मैं चैलेंजेस भी करने वाली हूँ इन वीडियोस में, अब मैं कोशिश करूँगी चैलेंजेस की भी, और बाकी चीज़ों और इंटरेस्टेड वीडियोस की भी मैं कोशिश करूँगी, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चैलेंजेस करूँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो चलो अभी ब्यूटी शॉट्स देते हैं। मेरा चैनल